नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजराइल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्ला के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किलें पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्ला ठंडा पड़ गया है, ये दावा अब इजराइल में किया जा रहा है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इसराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसराइल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इसराइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इसराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इसराइल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इसराइल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटम। यही बम है जिससे इसराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्ला और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इसराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्ला के ठिकानों को इसराइल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून, और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनन और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इसराइल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनन में हिजबुल्ला और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इसराइल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इसराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इसराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इसराइल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े।
समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इसराइल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इसराइल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इसराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इसराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बना था। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब डर ज्यादा है। हमले लेबनन की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इसराइल ने लेबनन बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्ला के कई हमलों ने इसराइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इसराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए हैं। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनन और इसराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक, और यहाँ बने हैं इसराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनन का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहाँ मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। इसराइल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्ला का पहला टारगेट। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्ला का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्ला का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्ला के ऐसे ही हमलों के बाद इसराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्ला को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है, यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा, देखिए सिवाय एक बिल्ली के, बिल्ली यहां पर नजर आ रही है। और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इसराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्ला हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, you know, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these.
इसराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है, अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्ला इस वक्त इसराइल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनान की जमीन पर देखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनान है। और यहाँ पर इसराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्ला के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है, साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इसराइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान इसराइल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इसराइल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्ला के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इसराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्ला को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद